हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये सब्जेक्ट, ये कोर्स किसके किसके लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप बीकॉम कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, या तो कोई भी अदर यूनिवर्सिटी से आप लोग पढ़ रहे हो, आपके लिए ये कोर्स एप्लीकेबल है और आप लोग ये कोर्स को कर सकते हो। सिंपल सा बात है, आज हम लोग इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर करेंगे, समझेंगे मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर, समझेंगे रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर, समझेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, सब कुछ आज इसी लेक्चर में हम लोग को समझना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ ताकि आपको ये लेक्चर्स बहुत अच्छे से समझ में आए। चलिए, और साथ साथ नोट्स भी बनाते जाना। समझ में तो आ जाएगा लेकिन नोट्स भी बनाते जाना, बिकॉज तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी जरूर से जरूर कर देना, पक्का से पक्का सब्सक्राइब, लाइक और शेयर होना ही चाहिए। चलो, सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर। ए पर्सन, इसको पहले रीड करते हैं, ए पर्सन हु सेट्स अप ए बिजनेस टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क इज द होप ऑफ इन द होप ऑफ प्रॉफिट। मतलब कि अगर एक पर्सन एक बिजनेस सेट करता है, अगर एक पर्सन एक बिजनेस बिल्ड करता है, उसको एक आशा रहती है कि प्रॉफिट मुझे मिलेगा ही मिलेगा, और उसके लिए वो रिस्क उठाता है। वो इंडिविजुअल एक न्यू बिजनेस, न्यू वेंचर बनाता है सारे के सारे रिस्क लेके, तो रिवॉर्ड्स भी किसको मिलता है, उसी को मिलता है। तो एक एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन ही होता है, ठीक है, लेकिन फिर भैया उसको एंटरप्रेन्योर क्यों बोल दिए? अगर एक एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन ही होता है, बिजनेसमैन को ही एंटरप्रेन्योर बोला जाता है, तो फिर उसको एंटरप्रेन्योर हम लोग क्यों बोल रहे हैं? उसको एक एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योर इसीलिए बोला जाता है बिकॉज वो इनोवेशन लाता है, बिकॉज वो कुछ नया चीज लाता है, बिकॉज वो पुराने ढंग से बिजनेस नहीं करता, पुराने ढंग का बिजनेस नहीं करता है, वो कुछ नया तरीके का, नया सलीके का बिजनेस करता है वो, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को एग्जांपल दें, ओला, सबसे पहले टैक्सी को आप लोगों को खोजना पड़ता था, ये टैक्सी को ढूंढना पड़ता था, ये टैक्सी को बुलाना पड़ता था, लेकिन आजकल टैक्सी आपके घर के सामने ही खड़ी रहती है, बस आप एक फोन से बुक कर देते हो, आप एक मोबाइल फोन के हेल्प से टैक्सी को बुक कर देते हो, आप एक मोबाइल फोन के हेल्प से खाने को बुक कर देते हो और आपके घर में खाना आ जाता है, आप एक मोबाइल फोन के हेल्प से ग्रोसरी को ऑर्डर करते हो और आपके घर में ऑर्डर आ जाता है। तो दोस्तों, यही है एंटरप्रेन्योर्स। ये सारे एंटरप्रेन्योर्स ने हमारा लाइफ आसान बनाया है अपने इनोवेशन से, ये तो बिजनेस कर ही रहे हैं, बिजनेस कौन नहीं करता है, बिजनेस तो कर ही रहे हैं ये, लेकिन ये इनोवेटिव तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, ये एक नए तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, ये पुराने घिसे पिटे तरीके से बिजनेस नहीं करते हैं, जो सारे के सारे रिस्क लेते हैं और सारे के सारे रिवॉर्ड्स भी यही लेके जाते हैं, है ना। सबसे पहले तो आप पढ़ेंगे हम लोग इसका मतलब, अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो पॉज करके जरूर से जरूर लिख लीजिए, आपके भले के लिए बोल रहा हूं। चलिए, क्योंकि ये नोट्स कहीं नहीं मिलने वाले, ये नोट्स आपको लिखने पड़ेंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, अब हम लोग फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला फीचर, एन एंटरप्रेन्योर ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन सोसाइटी। मतलब एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, सोसाइटी में चेंज लाता है, सोसाइटी में बदलाव लाता है। एंटरप्रेन्योर साहब क्या करता है, सोसाइटी में बदलाव लाता है। सेकेंड वाला देखिए, Entrepreneur is action oriented, मतलब वो काम करने में विश्वास रखता है, बोली देने में नहीं। कोई कोई होता है ना कि बोली बोली देता है, नहीं, लेकिन entrepreneur क्या करता है, action oriented, वो काम करने में विश्वास रखता है, वो सारे के सारे रिस्क लेता है गोल को अचीव करने के लिए, वो सारे के सारे रिस्क लेता है गोल को अचीव करने के लिए। अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़िए, entrepreneur accept responsibility with enthusiasm and endurance, तो वो एकदम हिम्मत से यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, बोलते हैं ना, एकदम हिम्मत से वो काम करता है और वो हमेशा एंथुजियाज्म में रहता है, वो कॉन्फिडेंस में रहता है, हमेशा एनर्जी, मतलब एनर्जेटिक वे में रहता है वो, तो हमेशा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता है एंथुजियाज्म एंड एंड्यूरेंस के वे में। इसके बाद देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ थिंकर, डोर, प्लानर एंड वर्कर। तो एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर कौन कौन होते हैं, एंटरप्रेन्योर सोचने वाले भी होते हैं, प्लान करने वाले भी होते हैं और काम भी करने वाले होते हैं। मतलब कभी कभी सबसे निचले निचले दर्जे वाला काम भी एक एंटरप्रेन्योर ही करता रहता है अपना शुरुआती फेस में,
हो सकता है शुरुआत में एंटरप्रेन्योर के पास पैसा नहीं रहेगा तो वो एक अकाउंटेंट का रोल भी निभा लेगा अपने बिजनेस में, तो वो एक थिंकर भी है, डोअर भी है, प्लानर भी है और वर्कर भी है। आप लोगों को ये समझ में आया, लिखते जाइए, वरना मैं और एक बार स्क्रोल अप करूंगा। सबसे पहले आप समझ लो उसके बाद आप लोग लिखना, सबसे पहले आप लोग समझ लो उसके बाद लिखना आप लोग, ठीक है। चलिए, एंटरप्रेन्योर कैन फोरकास्ट द फ्यूचर मार्केट। तो एंटरप्रेन्योर के पास एक ऐसी शक्ति रहती है कि वो क्या कर सकते हैं, वो फोरकास्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है और फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस का रिक्वायरमेंट है ना। इसके बाद एंटरप्रेन्योर्स अंडरटेक्स वेंचर्स नॉट फॉर हिज पर्सनल गेन। तो एक एंटरप्रेन्योर पर्सनल गेन के लिए हमेशा काम नहीं करते, खुद के भले के लिए हमेशा काम नहीं करते हैं, सोसाइटी का भला भी वो लोग सोचते हैं। अब देखिए, ओला आया, उबर आया, तो इसके लिए भलाई क्या सिर्फ एंटरप्रेन्योर को हो रहा है? नहीं भैया, सबके लिए इजी हो गया है, सबके लिए लाइफ थोड़ा सा कन्वीनियंट हो गया है। तो यही है एक एंटरप्रेन्योर का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो खुद के लिए काम नहीं करेगा, वो सोसाइटी के लिए भी काम करेगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं स्क्रोल अप कर रहा हूं, आप लोग प्लीज पॉज करके थोड़ा सा लिख लीजिए, इसके बाद यहां पे हम लोग आगे वाला करते हैं। देखिए, ये मतलब सबसे पहले फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। अच्छा, हम लोग यहाँ पे फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर कर लिए हैं। भैया यहाँ पे तो कुछ और लिखा है, तो इसको ही फीचर्स बोलते हैं, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स को ही तो फीचर्स बोलते हैं ना। चलिए, इतना आप लोग ने लिख लिया होगा, अब आइए इसको लिखिए, आराम से इसको लिखते रहिए। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर। क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर, मतलब एंटरप्रेन्योर किस किस टाइप्स का रहता है, वो हम लोग आज इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ बिजनेस, सबसे पहले तो देखिए बिजनेस के टाइप से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर रहते हैं। तो एक रहता है बिजनेस एंटरप्रेन्योर, एक रहता है बिजनेस एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु डिस्कवर्स एन आइडियाज टू स्टार्ट ए बिजनेस। मतलब जो आइडिया को डिस्कवर करता है एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस एंटरप्रेन्योर। जो इंडिविजुअल कुछ आइडिया डिस्कवर करता है एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाला है ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। मतलब कि ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर क्या करता है? हु अंडरटेक्स ट्रेडिंग एक्टिविटी। मतलब जो ट्रेडिंग एक्टिविटी करने के लिए यहाँ पे एंटरप्रेन्योर बना है, जैसे कि बाइंग एंड सेलिंग। जैसे कि मैं चाय को ये टपरी पे ही बेचता हूँ, लेकिन अगर चाय को बहुत अच्छे कैफे में मैं बेचूं तो मैं क्या कहलाऊंगा? एंटरप्रेन्योर कहलाऊंगा। अलग तरीके से बेचूं, अलग तरीके से, यूनिक तरीके से अगर ट्रेडिंग एक्टिविटी करूं तो मैं एक ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर कहलाऊंगा दोस्तों। हु अंडरटेक्स ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर, हु अंडरटेक्स ट्रेडिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर कौन होता है? ही इज द एंटरप्रेन्योर हु टेक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। मतलब जो मैन्युफैक्चर करने में काम आता है, जो मैन्युफैक्चर करता है, जो सारे के सारे, मान लीजिए एक नया सा टेक्निक, मान लीजिए एक नया सा कुछ मशीन वशीन, अगर उसने मतलब ये मैन्युफैक्चर कर दिया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर बोलेंगे, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? इसके बाद कॉरपोरेट एंटरप्रेन्योर, कॉरपोरेट एंटरप्रेन्योर पढ़ते हैं, लिखते जाइए सब चीज को, वरना मैं स्क्रोल अप करूंगा, स्क्रोल अप करूंगा, एक बार मैं समझा देता हूं सबको, सबको स्क्रोल अप करके सिखाऊंगा, मतलब दिखाऊंगा। इसके बाद कॉरपोरेट एंटरप्रेन्योर, कॉरपोरेट एंटरप्रेन्योर कौन होता है भैया? ही इज एन एंटरप्रेन्योर हु मतलब ये डेमोन्स्ट्रेट हिज इनोवेटिव स्किल। मतलब कि क्या करता है वो, कि वो हमेशा डेमो दिखाता है, वो हमेशा अपने इनोवेटिव स्किल्स का डेमो दिखाता है ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग ए कॉर्पोरेट अंडरस्टैंडिंग, जिससे कॉर्पोरेट अंडरस्टैंडिंग पूरा मैनेज हो पाए, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर, एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर, ठीक है। दे आर द एंटरप्रेन्योर हु अंडरटेक एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। मतलब एक एंटरप्रेन्योर जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को अंडरटेक करता है, जैसे कि मार्केटिंग कर दिया, रेजिंग कर दिया, मतलब क्रॉप्स उगाया, क्रॉप्स का मार्केटिंग किया, तो उसको क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर। मतलब कि मैं एक यूनिक तरीके का क्रॉप्स उगा लिया, मैं एक यूनिक तरीका का क्रॉप्स फाइंड कर लिया, इनोवेट कर लिया और उसको मार्केटिंग कर दिया अलग तरीके से, अलग तरीके से अगर उसको मार्केटिंग किया तो मैं क्या कहलाऊंगा बेटा? एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर कहलाऊंगा, ठीक है। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्नोलॉजी,
ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी का बात करेंगे तो सबसे पहले आता है टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। तो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर कौन होता है? दे आर एक्सट्रीमली टास्क ओरिएंटेड। तो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर हमेशा टेक्निकल कामों में लगे रहेंगे, हमेशा टास्क में लगे हुए रहेंगे और हमेशा ये ट्राई करेंगे न्यू एंड इंप्रूव्ड क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस करने का, हमेशा ये ट्राई करेंगे न्यू एंड इंप्रूव्ड क्वालिटी गुड्स बनाने का, ठीक है। तो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर आप लोगों को समझ में आ गया। नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर मतलब क्या हो गया? जो टेक्निकल एस्पेक्ट से काम नहीं करेंगे, जो एंटरप्रेन्योर टेक्निकल एस्पेक्ट से काम नहीं करेंगे इनको बोल सकते हैं नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं आप लोग, प्लीज ये सब सारे नोट्स बनाइए जिससे आप लोग एग्जाम्स में बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट होता है प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर। प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर कौन होता है? ही इज द एंटरप्रेन्योर हु स्टार्ट ए बिजनेस यूनिट बट नॉट कैरी बिजनेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड। मतलब प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर क्या करता है कि मैंने स्टार्ट कर दिया, एक एंटरप्रेन्योर ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया लेकिन ज्यादा लॉन्ग टाइम तक इन्होंने बिजनेस को कंटिन्यू नहीं रखा तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के बेसिस पे आप लोग देख लीजिए प्योर एंटरप्रेन्योर। सबसे पहले तो बात करेंगे प्योर एंटरप्रेन्योर का। दे बिलीव इन देयर ओन परफॉर्मेंस व्हाइल अंडरटेकिंग बिजनेस एक्टिविटी। मतलब कि मैं अपना खुद का काम देखूंगा, मैं दूसरों का काम धाम नहीं देखूंगा और मैं खुद काम करना चाहूंगा और खुद काम करके एक ऐसा चीज इनोवेट करना चाहूंगा जिससे कस्टमर को सेटिस्फैक्शन हासिल हो, जिससे कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिले। तो दे बिलीव इन ओन परफॉर्मेंस, मैं अपने परफॉर्मेंस पे ज्यादा फोकस करूंगा, ठीक है। बिजनेस एक्टिविटी चाहे कुछ भी कर रही है लेकिन मैं अपने परफॉर्मेंस पे ज्यादा फोकस करूंगा ताकि पर्सनल मतलब ये पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए है ना, ताकि मैं पर्सनली सेटिस्फाई रह पाऊं, इसको बोल सकते हैं प्योर एंटरप्रेन्योर, ठीक है। इसके बाद इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर कौन होता है? इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर ही इज एन इनकर्ड टू टेक अप एन एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी विद अ व्यू टू अवेल सम बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। मतलब इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर मतलब क्या होता है कि ये जबरदस्ती एंटरप्रेन्योर बनते हैं, क्या ये जबरदस्ती एंटरप्रेन्योर बनते हैं ताकि गवर्नमेंट इनको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करे, कुछ ना कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करे। इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर एक जबरदस्ती एंटरप्रेन्योर बनते हैं ताकि किसके लिए, मतलब ये ताकि गवर्नमेंट उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करे, है ना। समझ में आ गया आप लोगों को? लिखिए, पॉज करके लिखते जाइए सब चीज को, ठीक है। मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर, मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर हमेशा एक मोटिवेटेड वे में रहता है। द एंटरप्रेन्योर्स आर मोटिवेटेड बाय द डिजायर टू मेक देयर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टीज एंड स्किल्स। मतलब कि मैं जो सीखा हुआ हूँ, मेरा जो टेक्निकल स्किल्स है, मेरा जो प्रोफेशनल स्किल्स है, मेरा जो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज है, उसको मैं काम पे लगा सकूं, इसके लिए वो लोग मोटिवेटेड रहता है, ठीक है। इसके लिए क्या रहता है? वो लोग मोटिवेटेड रहता है बाबू। आप लोग को समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अब पढ़ेंगे स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर। स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर, आइए नीचे नीचे करिए जरा। तो स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर के कौन होते हैं? दे आर मोटिवेटेड बाय डिजायर फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर नीड। दे आर मोटिवेटेड बाय देयर डिजायर फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर नीड। तो वो हमेशा मोटिवेटेड इस बात के लिए रहते हैं कि मैं, मेरे वजह से बहुत सारे कंज्यूमर्स नीड को सेटिस्फाई हो पा रहा है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, इसके वजह से कंज्यूमर नीड्स यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, इसीलिए वो मोटिवेटेड रहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, अब पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले तो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर कौन होता है? फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर वो होता है, ही इज द वन हु स्टार्ट एन इंडस्ट्रियल यूनिट बाय मींस ऑफ हिज ओन इनोवेटिव आइडियाज एंड स्किल्स। मतलब जो सबसे पहला इंडस्ट्रियल यूनिट शुरू किया अपने इनोवेटिव आइडियाज और अपने इनोवेटिव स्किल्स के वजह से, उसको हम लोग बोल रहे हैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। मतलब कि सबसे पहला आइडिया इस एंटरप्रेन्योर का था, ठीक है। ही इज द वन हु स्टार्ट एन इंडस्ट्रियल यूनिट, मतलब कि ये इंडस्ट्री में बिजनेस करना एक पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर ने ही शुरुआत किया, उसको नॉर्मली बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, ठीक है।
चलिए मॉडर्न एंटरप्रेन्योर क्या होता है? मॉडर्न एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो मॉडर्न मार्केटिंग नीड्स के हिसाब से अपने बिजनेस को बदलता है, मॉडर्न मार्केटिंग नीड्स के हिसाब से अपने बिजनेस को करता है, ठीक है। He is an entrepreneur who undertakes those ventures which suits the modern marketing needs. तो उसको normally हम लोग क्या बोल सकते हैं? Modern entrepreneur, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे classical entrepreneur क्या होता है। Classical entrepreneur, he is one who develops self-supporting venture for satisfaction of consumers' need. तो classical entrepreneur क्या करता है? Self-supporting, मतलब कि support करने के लिए एक नया venture शुरू करता है जिससे consumer needs को satisfy कर सके वो, ठीक है। तो दोस्तों बहुत सारे टाइप्स के हम लोग यहाँ पे पढ़े क्लासिकल एंटरप्रेन्योर्स और भी बहुत सारे टाइप्स के पढ़े, तो आप लोगों को क्या करना है, एक एक करके लिखना है। मैं स्क्रॉल करता हूँ, स्क्रॉल अप करता हूँ, एक एक करके सबको लिखते जाइए। आइए फीचर्स तो आपने लिख लिया होगा, फीचर्स आपने लिख लिया होगा, अब एक एक करके लिखिए। सबसे पहले बिजनेस एंटरप्रेन्योर को पॉज करके लिखिए, इसके बाद ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर के बारे में लिखिए, इसके बाद इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर लिखिए, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर लिखिए। सब चीज को पॉज करना है और सब चीज को तुमको लिखना है एक एक करके, ठीक है। एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर के बारे में लिखो, इसके बाद टेक्नोलॉजी वाले एंटरप्रेन्योर के बारे में लिखो, टेक्निकल एंटरप्रेन्योर एंड नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर, इसके बाद प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर, ठीक है। चलिए मोटिवेशन के हिसाब से जो था, मतलब प्योर एंटरप्रेन्योर, उसके बारे में आप लोग लिखिए। इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर के बारे में लिखिए, ये नोट्स बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है, आप लोग को लिखना है। मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर के बारे में लिखिए, स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर के बारे में लिखिए। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब ये डेवलपमेंट फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर के बारे में, मॉडर्न एंटरप्रेन्योर के बारे में लिखिए, क्लासिकल एंटरप्रेन्योर के बारे में लिखिए, सब चीज को आप लोगों को लिखना है। चलिए सबसे पहले तो देखिए क्लासिफिकेशन बाय क्लियरेंस, ये डैनॉफ, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्लासिफाई किया है, इन्होंने भी एंटरप्रेन्योर्स को चार टाइप्स में क्लासिफाई किए। सबसे पहले तो इन्होंने क्लासिफाई किए, एक इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर होते हैं, क्या होते हैं, एक इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर होते हैं, इसके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। दे आर जनरली एग्रेसिव ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब इनोवेटिव में, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स लोग का ना दिमाग में एक कीड़ा घूमता रहता है कि कुछ नया लाना है, कुछ नया लाना है मार्केट में, कुछ नया करना है, ठीक है। दे आर जनरली एग्रेसिव, वो बहुत एग्रेसिव रहते हैं कि कुछ नया तो करना ही है। तो दे आर जनरली एग्रेसिव ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, तो हमेशा वो लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। क्लेवरली पुट अट्रैक्टिव पॉसिबिलिटीज इन टू प्रैक्टिस, तो कभी कभी जो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी रहता है वो पॉसिबिलिटी को ये लोग चेक करते रहते हैं कि कैसे हम लोग इसको और सुधार सकते हैं, कैसे हम लोग ये प्रोडक्ट को बना सकते हैं और कैसे हम लोग लाइफ आसान कर सकते हैं कंज्यूमर्स का, ठीक है। तो एन इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स इंट्रोड्यूसेस न्यू गुड्स, तो हमेशा एक इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स क्या करता है, नया नया सामान को इंट्रोड्यूस करता है। इनोग्रेट्स न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि नया नया, मतलब ये मेथड्स लाता है कि जिससे प्रोडक्शन और भी ज्यादा आसान हो जाए। और डिस्कवर्स न्यू मार्केट एंड रिकॉग्नाइजेस द एंटरप्राइज, मतलब एक नया मार्केट को डिस्कवर कर देता है वो, ठीक है, एक नया मार्केट को डिस्कवर कर देता है, तो उसी को हम लोग बोल सकते हैं इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, जो एक नया चीज का खोज में रहता है हमेशा, है ना। इसके बाद अडॉप्टिव और इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स, अडॉप्टिव और इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स, इसका मतलब क्या हो गया भैया, इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स डू नॉट इन्वॉल्व द चेंजेस देमसेल्फ, दे ओनली इमिटेट टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी इनोवेटेड बाय अदर्स, मतलब कि ये सिर्फ छापने में एक्सपर्ट है, मतलब ऑलरेडी टेक्नोलॉजी किसी ने इनोवेट कर दिया है, उसको बस अपने बिजनेस में लगाना है इनको, उसको बस अपने बिजनेस में लगाना है इनको, ठीक है। तो इनोवेटिव में क्या होता था, इनोवेटिव में मैं खुद मेहनत कर रहा हूं और खुद एक नया गुड्स को प्रेजेंट कर रहा हूं मार्केट के सामने। और इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर कौन है, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स मतलब ये सॉरी
एडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर्स कौन है? एडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर्स डू नॉट इनोवेट द चेंजेस देमसेल्फ, मतलब वो इनोवेट विनोवेट नहीं करते हैं, वो एकदम छापते हैं, दे ओनली इमिटेट टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी इनोवेटेड बाय अदर्स, मतलब जो दूसरों ने इनोवेट किया है उस टेक्नोलॉजी के हेल्प से एक नया बिजनेस कर देते हैं, ठीक है, एक नया बिजनेस करते हैं। चलिए इसके बाद ये फेबियन एंटरप्रेन्योर्स, फेबियन एंटरप्रेन्योर्स क्या होता है देखते हैं। दीज एंटरप्रेन्योर्स आर मतलब ट्रेडिशनली बाउंड, दे वुड बी कॉशियस, दे नाइदर इंट्रोड्यूस न्यू चेंजेस नॉर अडॉप्ट न्यू मेथड इनोवेटेड बाय अदर्स। तो ये क्या करते हैं, ये नया नया मेथड्स को नहीं लाते हैं, ये कोई भी चेंज भी नहीं करते हैं। तो फेबियन एंटरप्रेन्योर्स लोग बहुत ट्रेडिशनली बाउंडेड रहते हैं, ये नया चेंजेस नहीं लाते हैं, ये कुछ भी इनोवेट नहीं करते हैं, ये थोड़े से साई रहते हैं और थोड़े से लेजी रहते हैं। दे ट्राई टू फॉलो द फुटस्टेप ऑफ देयर प्रोड्यूसर्स, तो यहाँ पे ना बहुत ज्यादा ये साई रहते हैं, ठीक है, साई मतलब बहुत ज्यादा शर्माते हैं और बहुत ज्यादा लेजी रहते हैं कि ऐसा वाला प्रोडक्ट अगर मार्केट में लॉन्च कर दिया तो लोग हंसेंगे हम पे। तो फेबियन एंटरप्रेन्योर्स लोग क्या करते हैं कि लोग हंसेंगे हम पे, लोग क्या कहेंगे इस बात पर ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स, ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स, आइए सबसे पहले तो पढ़ते हैं इसको। ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स आर दोस हु रिफ्यूज टू अडॉप्ट एंड यूज अपॉर्चुनिटीज टू मेक चेंजेस इन प्रोडक्शन, मतलब ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो हमेशा रिफ्यूज कर देते हैं कि हम कोई भी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं करने वाले हैं और हम कोई भी चेंज नहीं करने वाले हैं प्रोडक्शन में। They would not change the method of the production already introduced. मतलब जो method already वो introduce कर दिए हैं, जो method में already वो यहाँ पे introduce कर दिए हैं, वो method को कभी बदलते नहीं हैं, वो हमेशा traditional methods को ही follow करके आगे जाते हैं, ठीक है। चलिए तो इनको हम लोग बोलते हैं drone entrepreneurs। तो ये drone entrepreneurs ही लोग हमेशा बोड़बक बनते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर, मतलब कि इंपॉर्टेंस क्या है एंटरप्रेन्योर्स का, एंटरप्रेन्योर्स में एंटरप्रेन्योर्स के आने से क्या क्या बदलाव होती है एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या क्या देखने को मिलती है। सबसे पहले तो देख लो भाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सर ये सब क्या लिखना है, जी बिल्कुल लिखना है, आपके एग्जाम्स में आएंगे, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो अपनी कॉपी में आप लोग को लिखना है। सबसे पहले तो देखिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या है, एक एंटरप्रेन्योर्स के वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है, लार्जर नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे काम करने कर पाते हैं। रास्ते में हम लोग आज जाते हैं, हम सिर्फ स्विगी और जोमैटो वाले को देखते हैं, स्विगी और जोमैटो वाले को देखते हैं, क्यों, क्योंकि एक ये एंटरप्रेन्योर ने कुछ ऐसा स्टार्ट कर दिया कि अब लार्जर नंबर को एम्प्लॉयमेंट कम से कम मिलने लगा, है ना। इसके बाद देखिए बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट मतलब क्या, रूरल एरियाज में भी यहाँ पे डेवलपमेंट होता है और अर्बन एरियाज में भी यहाँ पे डेवलपमेंट होता है एक एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से। एक एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से क्या होता है कि रूरल एरियाज में भी डेवलपमेंट होता है और एक अर्बन एरियाज में भी डेवलपमेंट होता है। इसके बाद मोबालाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, एक एंटरप्रेन्योर लोग अपने देश का रहते हैं, अपने देश के माटी से जुड़े हुए रहते हैं, इसीलिए वो लोग लोकल रिसोर्सेज को ज्यादा यूज करते हैं, बिकॉज उसके उनके पास पहले पहले फेज में, सबसे फर्स्ट फर्स्ट फेज में उनके पास ज्यादा कुछ पैसे नहीं रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, मोबालाइज एंड यूटिलाइज लोकल रिसोर्सेज लाइक स्मॉल सेविंग्स एंड टेनेंट्स ऑफ रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, तो वो लोकल लोकल रिसोर्सेज का मोबालाइज करते हैं, है ना, अपने अपने मतलब घर का ही सामान यहाँ पे यूज कर लिया अपने बिजनेस के लिए। एंटरप्रेन्योर लोग कैसे होते हैं, अपने घर के सामान यूज कर लिया अपने बिजनेस के लिए, है ना। इसके बाद ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल को ऑप्टिमाइज करना एक एंटरप्रेन्योर से सीखे, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स एम टू गेट क्विक रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्ट अगर वो किए हैं तो बहुत ज्यादा क्विकली रिटर्न भी मिल जाता है, क्योंकि सबको पता रहता है कि ये तो एक नया चीज आया है, ये तो एक नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में, तो उनको यूज करने के लिए सब बेताब रहते हैं और इसी के वजह से उनको क्विक रिटर्न मिल जाता है। बहुत सारे एक ऐसे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो गए, जैसे कि बोट, अमन गुप्ता जिसका सीईओ है ना। इसके बाद देखिए फाइव,
इसके बाद 5 में लिखा है एक्सपोर्ट को ये प्रमोट करता है, मतलब अगर देश में ज्यादा ज्यादा अगर देश में एक्सपोर्ट हो और इंपोर्ट कम हो, इंपोर्ट मतलब क्या होता है, इंपोर्ट मतलब होता है कि फॉरेन कंट्री से हमारे कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज को लाना, उसको हम लोग बोलते हैं इंपोर्ट्स। और अगर हम लोग फॉरेन कंट्रीज को कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना, बाहर वाले कंट्रीज को, मतलब इस कंट्री से दूसरे कंट्री को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट्स। तो एंटरप्रेन्योर्स लोग के वजह से यहाँ पे एक्सपोर्ट्स का भी यहाँ पे प्रमोशन हो रहा है, मतलब कि एंटरप्रेन्योर्स लोग बना रहे हैं इस देश में सामान और भेज रहे हैं उस देश में, ठीक है, भेज रहे हैं दूसरे देश में, इस देश में सामान बना रहे हैं और भेज रहे हैं दूसरे देश में। इसके बाद कंज्यूमर्स डिमांड एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड बाय देयर मतलब कंज्यूमर्स, दे मीट द डिमांड ऑफ ए कंज्यूमर्स विदाउट क्रिएटिंग ऑफ शॉर्टेज ऑफ गुड्स, मतलब कि एंटरप्रेन्योर्स लोग कैसे होते हैं कि कंज्यूमर्स के जो भी डिमांड है वो आराम से वो लोग मीट कर पाते हैं ज्यादातर मामले में, क्योंकि उनके पास कोई शॉर्टेज वॉर्टेज नहीं रहता, वो लोग पहले से ही सोच के रखते हैं कि कंज्यूमर्स इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कितना ज्यादा डिमांड करेंगे कितना ज्यादा नहीं डिमांड करेंगे, ठीक है। और बहुत ज्यादा सोशल एडवांटेज भी मिलता है एक एंटरप्रेन्योर के वजह से, डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी होता है, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पीपल मिलता है, मतलब लोग रोजगार बनते हैं, है ना। तो यही था रोल ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद और भी कुछ कुछ है, जैसे इंक्रीज पर कैपिटल इनकम, इंक्रीज पर कैपिटल इनकम होती है, एक एंटरप्रेन्योर आता है इसके वजह से हर इंसान का जो इनकम है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, और इसके वजह से पूरा का पूरा कंट्री का जो पर कैपिटा इनकम है थोड़ा सा वो इंक्रीज करने की कोशिश करता है। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा कैपिटल फॉर्म करने की कोशिश करता है, मतलब सेविंग्स करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, प्रोडक्शन करता है, इससे क्या होता है देश का इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। इसके बाद ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप लोग बोल सकते हो, एक एंटरप्रेन्योर के आने के वजह से ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है, द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री डिटरमाइंस द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, एंटरप्रेन्योर्स बाय एस्टैब्लिशिंग देयर एंटरप्राइज इन रूरल और बैकवर्ड एरियाज इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दोस एरियाज, मतलब कि अगर बैकवर्ड एरियाज में एक एंटरप्रेन्योर ने अपना बिजनेस खोल दिया तो इसके वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट को चिंता नहीं करना पड़ता है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बहुत ज्यादा हेल्प कर पाते हैं एक एंटरप्रेन्योर, ठीक है। चलिए तो आप लोग बेसिकली इतना ही पढ़िएगा जितना जितना मैं मार्क किया हूं, डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेडर भी पढ़ लीजिएगा, सिंपल सा बात है। तो आप लोगों को बस इतना ही पढ़ना है, रोल अगर आप लोग 5-6 रोल अगर लिख ले, 5-6 रोल अगर कर ले तो काफी है इतना, ठीक है। तो रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स में इतना ही है। चलिए दोस्तों तो फिर आज इतना ही पढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी बहुत बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट सीखने वाले हैं, इसीलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो पक्का से कीजिएगा। और हमारे बीकॉम वाले अगर बैच में आप लोग ने ज्वाइन नहीं किया जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोग प्लीज उसको भी ज्वाइन कीजिए, और आप लोग को बस 6 स्टेप्स फॉलो करने हैं जो कि कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं, और यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा 6 स्टेप्स को, ज्वाइन करके आप लोग यहाँ पे सारे के सारे सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 सब के सब यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।